फिर एक बार उन गलतियों को दोहराया जा रहा है। इतिहासक गलतियों को दोहराया जा रहा है। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि 370 और 35 ए पर उनका स्टैंड क्या है। देश जानना चाहता है क्या कांग्रेस वापस जम्मू कश्मीर में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान के युग में जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहती है। क्या जम्मू कश्मीर की धरती पर भारतीय तिरंगे का अपमान होगा? क्या किसी प्रदेश में दो झंडों की ओर जाया जा सकता है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के षड्यंत्र में कांग्रेस पूरी तरह भागीदार है? देश जानना चाहता है। और राहुल गांधी जी ने जो 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हाथों में हाथ डालकर जो घोषणा की है, आज उस घोषणा से पूरे देश के मन में कई प्रश्न खड़े हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भारत के नौजवानों से बातचीत करने के बजाय एनसी के पाकिस्तान से बात करने के एजेंडे का समर्थन करती है? देश जानना चाहता है क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोहपूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है एनसी के साथ मिलकर। कांग्रेस को स्पष्ट जवाब देना होगा, स्पष्ट जवाब देना होगा। क्या पाकिस्तान के एजेंडे को जो एनसी आगे कर रही है, उस एजेंडे को कांग्रेस की सपोर्ट है? इस आतंकवाद के मसौदे में, आतंकवाद वापस लाने के इस मसौदे में जिसे मैनिफेस्टो कहा जा रहा है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जेल में बैठे अलगवादियों को छोड़ा जाएगा, जिनके हाथों में बंदूक थी, जो बम धमाके करते थे, जो पाकिस्तान के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू करते थे, जो लोग जेल में हैं उनके छोड़ने की वकालत अब्दुल्ला परिवार कर रहा है, गांधी परिवार उसके साथ खड़ा है। ये दुर्भाग्य है। किनको छोड़ना चाहते हैं? और कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है देश की वीर सेना को, उनकी हत्या करने वाले हमारे फौजियों को शहीद जिन्होंने किया, और करने के बाद घोषणा की ऐसे यासीन मलिक जिसने कहा कि मैंने नौसेना के अधिकारियों को मारा है, और कई इंटरव्यू में बाकी कश्मीरी पंडितों को मारने के उन्होंने स्वीकारा, उस यासीन मलिक के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है? जब 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, उस यासीन मलिक के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटोशूट किसने करवाया था? देश के वीर सैनिकों को उनके हत्या करने वाले और हत्या को स्वीकार करने वाले यासीन मलिक को महामंडित करने वाली कांग्रेस, कांग्रेस के 2004 से 14 तक के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उस आतंकवादी नेताओं का फोटोशूट करवाया जाता था, क्या उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? क्या बम धमाकों, गोलियों, बंद हड़ताल, नरसंहार,
सामूहिक हत्याएं, उस ओर जम्मू कश्मीर को एनसी और कांग्रेस मिलकर ले जाना चाह रहे हैं। देश के सामने कई प्रश्न उठे हैं। एनसी के इस धोखा धड़ी के नागरिकों का अधिकार छीनने वाले मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि 5 अगस्त 2019 के हालात वापस लाए जाएंगे, उससे पहले के हालात वापस लाए जाएंगे। यानी वहां एससी भाइयों को जो अधिकार मिले हैं